नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मऊगंज के बेलहा में बन रहे बांध पर तकनीकी रूप से काफी खामियां देखी जा रही हैं। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर ने जब मौके का मुआयना किया तो उनको वहां पर काफी कमियां नजर आई। एक्टिविटीज शिवानंद द्विवेदी, जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर शेर बहादुर सिंह परिहार और अन्य अधिकारियों ने जब निर्माण स्थल का जायजा लिया तो देखा निर्माण कार्य में काफी कमियां नजर आ रही हैं। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर बाणसागर परियोजना जल संसाधन विभाग शेर बहादुर सिंह परिहार के द्वारा वाटर सप्लाई के लिए डाली गई पाइप और उसके कंस्ट्रक्शन के विषय में कई कमियां निकाली गई। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर ने स्लूस कंस्ट्रक्शन वाटर सप्लाई के लिए टूटे हुए बांध के हिस्से में किए जा रहे कंस्ट्रक्शन की कमियों के बारे में बताया। मटेरियल क्वालिटी सही नहीं, कॉलर ज्वाइंट सही नहीं, जिसकी वजह से वाटर सीपेज की वजह से पानी बाहर निकल जाएगा। उनका कहना था पाइप ज्वाइंट में जूट की बोरी का जो इस्तेमाल किया गया वह तकनीकी रूप से गलत है, पानी लीकेज होकर बांध को पुनः तोड़ देगा। चीफ इंजीनियर ने कहा जो बेल का कंस्ट्रक्शन हो रहा उसमें डेट नहीं डाली गई, जिसकी वजह से किस लेयर की क्यूरिंग कितने समय तक की जानी है यह स्पष्ट नहीं। उन्होंने कहा सामान्य तौर पर क्यूरिंग कंक्रीट को गीला रखने का कार्य 21 दिन तक किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 21 दिन तक ही में ही कंक्रीट में मजबूती आती है। विशेषज्ञ की माने तो टूटे हुए बांध की दोनों दीवारों में जो गड्ढे अर्थात पॉकेट बने हुए हैं वह क्यूरिंग न होने से और सीपेज की वजह से हुए हैं। मिट्टी डालते समय और बांध के दीवार बनाते समय पर्याप्त कंप्रेक्शन न होने से, सिंचाई कर रोलर से न बैठाए जाने की वजह से भी ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। सुनिए शेर बहादुर सिंह ने किस तरीके से कमियां निकाली। फूट लगे तो तुम्हारा गेट बंद नहीं हो जाएगा, लिपा पोती कर दो के सब बह जाएगा। रूम है तुम्हारा इस तरीके से, कोई भटकल नहीं तो खड़ा हुआ पूरा का पूरा। इसमें क्या गड़बड़ी है सिंह साहब? इसमें ये है कि इसमें रूम गेट लगेगा, ये गेट रूम है ना, मैंने रूम लगेगा इसमें तो ये फटर क्या है इसमें लगा है, इसमें कुछ इस तरह का है इसमें बना हुआ, आप अंदर आ जाइए। इधर भी रूम है क्या ऐसे? हाँ, इधर इधर कुछ दो लाइन टाइप का है जिसमें शटरिंग टाइप का ऐसे लगा है कुछ। जैसे ये देख रहे हैं ना आप, इसी तरह से इधर भी है, गेट लगे ऐसे भी तो इधर भी बने हैं ना, इधर भी बनना चाहिए गेट लगे। हाँ, तो जब गेट बंद हो जाएगा तो पानी अंदर नहीं बहेगा। हाँ, पानी जब गेट खोल देंगे तो पानी अंदर चला जाएगा, पाइप में चला जाएगा। गेट नहीं, क्या होगा? स्टाफ लगे क्या? हाँ, स्टाफ लगे। गेट गेट उस वाले में लगेगा, आगे वाले में, तो उसमें क्लिक ग्रुप कहाँ बना है? ग्रुप नहीं लगेगा, वो लगेगा क्या नाम है, स्पिंडल वाला लगेगा उस वाले में। ये स्टाफ लगता है, स्टाफ लगा के तो तुम्हारा कैसे लगा? स्टाफ लगा लगा दो भैया, ऐसे तिरछे तिरछे लगाओगे क्या? गिट्टी उधर जाती बजाय, जब दूसरे दिन बनाओगे तो उधर ही जाएगी, 7 दिन के बाद फिर ये दूसरी लिफ्ट लगाओगे, माल आज बना दिया फिर कल बनाओगे तो सब उधर जाएगी। भाई जब एक दिन ग्रुप बना दोगे और 4-5 दिन के बाद दूसरा ग्रुप बनाओगे तो कैसे को उधर जाएगी? है ना, तो ग्रुप नाम की चीज़ें नहीं है। इनका स्टाफ लाग जो ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप बिल्कुल डिसेप्ड है, पानी का थर्स पड़ेगा तो निचर जाएगा तुम्हारा, ये कुछ सस्टेन नहीं कर सकता है। ऐसा थर्ड क्लास काम करोगे तो भैया ये बिलहा टैंक का फतेहनाश करने पे तुले हुए क्या? अब इनको, इनके जो सुपरवाइजर हैं, इनके ठेकेदार हैं, इनके इंजीनियर, इन्होंने यही बताया है। क्या बताया आपको उन्होंने? कौन कौन है आपके सुपरवाइजर बता रहे थे आप? हमारे नीचे प्रॉपर पैकिंग क्यों नहीं किया, किनारे कॉर्नर वाला जो तरीके से नहीं बनाया? यहाँ पर कहीं मिट्टी पर मिट्टी डलवाई गई। क्यों डलवाई गई मिट्टी? चेक करके आई थी, चेक करने ले गई थी। कहे के चेक? ये काली मिट्टी है, काम करेगी या नहीं करेगी? हाँ, तो चेक होके आई, बोले ठीक है, तो वह लोंदा बनवाए थे। हाँ, उसमें डाल के वहाँ पे तो कंक्रीट करना है, वहाँ किनारे होना है। हाँ, वहाँ किनारे कंक्रीट, वहाँ पर कंक्रीट नहीं होगी, तो ऑलरेडी कंक्रीट, वो किनारा जहाँ पाइप खुल रहा है ना, ये तुम्हारी विंग वाल है, इसका विंग वाल, उसमें वहाँ पे तो कंक्रीट होगी पूरा काल तरीके से बनेगा, ताकि पानी रिवर्स में ज्वाइंट से कहीं अंदर न जाए, अंदर का बाहर निकले, नहीं तो बाहर निकलेगा तो ये मिट्टी को सब बाहर ले जाएगा, फिर जैसे फेल हो गया था ना, फिर फेल हो जाएगा। यदि केयर नहीं करोगे ना तो ये कामे भर होगा और 10 साल के बाद फिर इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। क्या 10 साल के लिए बना रहे हो? गड़बड़ी आपको समझ में आ रही है? गड़बड़ी ये है कि जो कंक्रीट कर रहे हैं इसमें कोई डेट नहीं दिखी,
किस डेट पर कौन सी लेयर बनी है और उसकी कम से कम इक्कीस दिन क्यूरिंग होनी चाहिए, तो भी क्यूरिंग डेट नहीं पता चलता कि जो उनके दिन तक करनी है। दूसरा एक कॉलर जॉइंट पर इनका विशेष ध्यान है, क्योरिंग इनकी बिल्कुल नहीं, पूरे ड्राई पड़े हुए हैं, क्योरिंग नहीं हो रही थी। जब क्योरिंग नहीं करें कॉन्क्रीट में तो क्या स्ट्रेंथ गेन होगी इसकी। सही है। और कॉलर जॉइंट जितने जो स्थिति पहले बनी थी, कॉलर जॉइंट ठीक न होने के कारण इस प्रकार से सीपेज हुआ और इस प्रकार से पॉकेट बनी, जो पॉकेट बनी हुई है ये दिख रही कि इसके पाइप के बगल से सीपेज हुआ, मिट्टू के बहाता चला गया, बाद में फेलोर हो गया। यही स्थिति फिर हो जाएगी यदि इन्होंने केयरफुली हर जॉइंट पर प्रॉपर कॉलर नहीं देखा, बॉटम पर इन्होंने पूरी केयर नहीं की कि पूरा लीकेज एक बूंद इसका टेस्टिंग करें, जाँच करें और क्योरिंग प्रॉपर करें। और कॉलर जॉइंट बनाने में इस तरह की जो बोरी पैक कर करके भरा हुआ है और फिर कहते हैं बोरी निकाल कर कैसे पैक करते होगे, कोई बताने वाला तो है नहीं इंजीनियर, ये क्योरिंग करने वाला एक आदमी है।